मैं बच्चा था जब मेरी याददाश्त भी नहीं थी तो मेरे दादा गुजर गए। मैंने अपनी दादी को देखा है और तमाम कहानियां सुनी हैं, चाहे वो बहू जुठाई हो जिसमें सवर्णों के यहाँ SC ST OBC माइनॉरिटी की महिलाओं को रात गुजारना होता था जब वो शादी होके आती थी। कैसे वो चप्पल नहीं पहन सकते थे, ये दादाजी हैं, इनके पैर में चप्पल नहीं है क्योंकि ये किसी के घर में चप्पल पहन के नहीं जा सकते। इसलिए मैं लगातार खिलाफ करता हूँ। मेरी माँ जब भी कहती हैं कि ये भगवान का घर है, तुम चप्पल जूता पहन के नहीं आओ, तो मैं वही बगावत करता हूँ और मैं कहता हूँ कि माँ, अगर इस कमरे में हम शीशा तोड़ के बिखरा दें तो अभी तुम मुझे कहोगे कि अपने पैर से जूते निकाल दो। किस तरह से हमारे लोगों को प्रताड़ित किया गया, धार्मिक कर्मकांड में लिप्त है। और चाचा जी हैं, मैं इसमें दरभंगा में हूँ, बिहार में हूँ। अब मुझे पता नहीं था कभी मेरे दिमाग में आइडिया आएगा। हम सब जानते हैं, हम सबने झेला भी है और दादाजी ने क्या झेला होगा इससे हम आज बात करेंगे। दादाजी शेड्यूल कास्ट के हैं, 80 साल के लगभग उम्र है, भरा पोता बच्चा का परिवार है, बच्चे सब पढ़ लिख रहे हैं, ग्रेजुएट हैं। लेकिन जैसे कहते हैं ना कि प्रसव की पीड़ा कोई महिला ही बता सकती है, जातिवाद का वो दंश जो इन्होंने झेला है उसको ये बता सकते हैं, उनको महसूस नहीं करते हैं क्योंकि उसको महसूस करने के लिए, उस पर बात करने के लिए आपको PhD करना पड़ता है। दादाजी क्या नाम हुआ आपका? ठाकुर राम ठाकुर राम। कितनी उम्र हो गई आपकी? 30 से ज्यादा। तो ये जो किसी के घर में जाते समय चप्पल उतार देते हैं, ये सब कैसे कब होता था? बहुत पहले की बात है। हाँ, लोग कहते थे कि चप्पल निकाल दो। हाँ, कौन लोग कहते थे चप्पल निकाल दो? हाँ। हमारे गांव में तो ज्यादा बड़ी है, शहर जात है, चमार भी है, दुसाद भी है, पासी भी है, ज्यादा मोहम्मदन लोग हैं। तो मोहम्मदन भी कहते थे, उनके घर में जाने पर कहते थे कि पहले चप्पल उतार दो पहले। अच्छा, पहले तो ये जातिवाद जो है ना, वो ऐसा नहीं है, कास्ट सिस्टम बना हुआ था। पासवान के यहाँ, मुसहर के यहाँ, डोम के यहाँ, चमार के यहाँ, ये सब एक बाबा साहब ने इसीलिए कहा है, जातिवाद एक बिल्डिंग है। कोई 5वां फ्लोर पर है वो सबसे ऊपर है, कोई चौथा फ्लोर पर है, कोई 3रा फ्लोर है, कोई 2रा फ्लोर है, सबसे नीचे शेड्यूल कास्ट के लोग हैं। जो कभी भी कुछ भी कर ले वो अंतिम 5वां फ्लोर पर नहीं जा सकते। इसलिए बाबा साहब ने कहा था कि जातिवाद एक बिल्डिंग है जिसके जो जो जिस फ्लोर पर है वो उसी फ्लोर पर रहेगा, चाहे आप लाख पढ़ लिख जाए। अब लगता है कि वो दौर याद करते हैं तो कैसा लगता है? आप कुछ बदला है? आजकल सब ठीक हुआ है या खराब हुआ बहुत है? बदल गया है। देखिए, इसीलिए आजकल लोग कहते हैं कि कलयुग है, दरअसल ये कलम का युग है। बाबा साहब ने हमको कलम पकड़ाया है। और जो लोग द्वापर त्रेता सतयुग कहते हैं, वो जातिवादियों का युग था, मनुवादियों का युग था, ब्राह्मणवादियों का युग था, और आज कलम युग है, इसीलिए इसको कलयुग कह रहे हैं। तो अब ज्यादा अच्छा लग रहा है दादाजी, पहले अच्छा लगता था? अब अच्छा लग रहा है कि अब ऐसा लगता है कि अब कोई आपको नहीं कह सकता है कि जूता उतार दो या खाट पर। अच्छा, तो पहले खाट पर भी बैठने के लिए मना करता था? हाँ, अलग बर्तन में खाना देते थे ना। और कोई इंसिडेंट जो आपको याद हो, जो आप अपने बताना चाहते हो, कैसे जाति, छोटी जाति की वजह से कैसे परेशान किया जाता था? बहुत परेशानी होती थी ना, बहुत भेदभाव, खाने बहुत तक के लिए मजबूरी होती थी, बहुत काम करवाने के बाद भी लोग पैसे नहीं देते थे। हैं? अब खुश हैं? अब कुछ बदला है बहुत बदल गया, या अभी भी वैसे ही चल रहा है? बहुत बदल गया। पढ़ा लिखा लड़का सब हो गया, हाँ पोता पोती। हाँ, आप लोग स्कूल नहीं गए या जाने नहीं दिया गया, या इतनी गरीबी थी? बहुत गरीबी थी कि हलुआ खाकर सुदिन खाकर लोग दिन काटते, चावल और गेहूं का आटा तो मसाले नहीं पहले था। अब जब चावल खाते हैं, दाल खाते हैं, तो बचपन याद आता होगा, वो लाचारी, वो बेबसी, लगता है ये समय ज्यादा अच्छा है। बहुत अच्छा हो गया कि आपके माता पिताजी क्या करते थे दादाजी? माता पिता यही काम करते थे, सोहेल के अब्बा के दादा के टाइम में चमड़ा उतारने का काम करते थे, और वही चमड़ा उतारने के बाद जो जो मरा हुआ गाय का मांस या पहले, भैंसा, पहले वही खाता वही था। उसी से गुजारा होता था। देखिए, ये महार बाबा साहब जिस जाति के थे, महार समाज के, महाराष्ट्र में महार समाज के लोग बीमार पड़ते थे क्योंकि उनको मरी हुई गाय का मांस खाने के जीवन काटना पड़ता था। जो लोग आज गाय माता के नाम पर राजनीति कर रहे, उससे आगे बता रहा हूं। आप प्रोफेसर तुलसीदास की मुर्दहिया पढ़िएगा, उसमें वो लिखते हैं
कि हमारी बहन बेटियों की इज्जत इसीलिए सुरक्षित रही क्योंकि उनके घर में हड्डियां होती थी मरी हुई गाय भैंस की, और उसी से वो सवर्णों को डराते थे कि आओगे तो हड्डी छुआ देंगे। उससे ज्यादा जो जो मरी हुई गाय का मांस होता था उसको खा के, जैसे गोभी सुखा के रख लेते हैं बहुजन समाज के लोग, खासकर दलित समाज के लोग, वो मांस सुखा के रख लेते थे, और जब बारिश होती थी, जब भूखमरी फैलती थी, जब अकाल पड़ता था, तो वही उनका गुजारा होता था। ऐसे ही था ना जी। कभी ऐसा लगा आप लोग सोचते थे कि एक समय आएगा जब सब ठीक हो जाएगा, ठीक होगा, लगता था ऐसा? ना, पहले इतना कहां से नहीं लगता था, लगता था कि ऐसे ही चलेगी जिंदगी। तो हम लोग अंबेडकर को क्यों कहते हैं बाबा साहब अंबेडकर? उस महान शख्स ने अपनी ताउम्र लगा के इस देश के करोड़ों लोगों की जिंदगी में जो बदलाव लाया है उसको आप महसूस नहीं कर सकते हैं क्योंकि आप महसूस करना नहीं चाहते हैं। अजीत अंजुम, अभिसार, विनोद, साक्षी जोशी जैसे जो सो कॉल्ड लिबरल पत्रकार हैं, जो बीजेपी के खिलाफ तो बोलते हैं लेकिन वो इस जातिवाद का दर्द नहीं जानते हैं। मैं खुद कह रहा हूं, मैं भी प्रिविलेज हूं क्योंकि ओबीसी भी यहां प्रिविलेज है, मुसलमान भी प्रिविलेज है। इस देश में कभी दलित समाज के साथ क्या हुआ उनकी जिंदगी चख के देखिए, जिस हालात से वो गुजरते हैं उस हालात में आप गुजर जाएंगे। दादी क्या लगता है अब 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 क्या इच्छा है आपकी, क्या चाहते हैं कि वो सब थोड़ा सा बताइए ना। जब स्कूल, कभी स्कूल गए कि नहीं? स्कूल गए। कब, कितने साल तक स्कूल गए? छोटे थे, छोटे थे, फिर नहीं जाना पड़ा। तो देखिए ये मत कहिएगा कि ये लोग स्कूल नहीं गए, दरअसल इस तरह के सिस्टम बना दिया गया था कि आप दसवां क्लास तक गए, सातवां क्लास तक गए। तो ये मत कहिएगा, आज भी इस देश में माझी समाज के लोग, डोम समाज के लोग, जो दलित समाज के लोग हैं, उनके बच्चे अभी तक स्कूल का मुंह नहीं देखे। और ये मत कहिएगा कि ये लाचारी बेबसी ये सब जातिवाद से आया है, ये सब किसी की वजह से आया है, जिन लोगों ने इनके पीढ़ी दर पीढ़ी गरीब रखा, बिजनेस नहीं करने दिया, स्कूल नहीं जाने दिया, और लाचार बेबस बना दिया, जमीन नहीं है, बिजनेस नहीं कर सकते थे, और ये सब एक धर्म विशेष के लोगों ने जाति के नाम पर किया। अच्छा, कोई था आपके समाज में जिसके पास थोड़ी बहुत जमीनें हो या नौकरी चाकरी हो, जब आपके, आप बचपने के जब आपके दिन थे 70 साल पहले, चूंकि आपकी उम्र 80 साल है तो आप तो आजादी से पहले पैदा हुए होंगे, देश आजाद हो गया था, तो बाबा साहब के बारे में सुने कि नहीं, डॉक्टर अम्बेडकर? सुने अब सुनबो करते हैं, कम ना, कम सुनते हैं, उम्र ज्यादा वैसे कमजोरी हो गई है। तो और कुछ याद कीजिए ना कि कैसे लोग परेशान करते थे या लोग मदद भी करते थे। पहले पैसा वाला लोग से बहुत डरता था, डरना पड़ता था। हमारा गांव में वो बड़ी था जसरियत को जिम्मेदार थे, लग में जाता था तो चप्पल जूता उतार के रोड पर तब जाते। अब वो जमाना नहीं है, अभी उसका पोता सब है, बैठाता है कुर्सी पर, चाय पिया, खाना खाते जाइया भैया, पहले से बात नहीं था। तो पता चला, इसीलिए इसको कलयुग कहते हैं। हमारे लोग के पास आवाज भी नहीं है, वोकल भी नहीं कि वो अपने दर्द भी बयां कर सके। दरअसल इस देश में जो शिकारी है उसी ने हिरण के मरने की गाथा भी लिखी है। तो वो शिकारी, जो शिकारी है वो जब इतिहास लिखता है तो वो शिकार करने को शौर्य गाथा लिखता है, लेकिन वो हिरण का दर्द नहीं समझता। अगर आपको समझना है तो नामदेव घसाल को पढ़ना होगा, ओम प्रकाश वाल्मीकि को पढ़ना होगा, बाबा साहब अम्बेडकर को पढ़ना होगा, फूले पेरियार को पढ़ना होगा, तब पता चलेगा कि हमारे लोग ऐसे हैं जिनको इस लायक नहीं बनने दिया गया कि वो अपनी कहानी भी बयां कर सके, वो अपना दर्द भी बताएं। हम लोग लगातार कोशिश कर रहे हैं नेशनल दस्तक के माध्यम से कि इस देश में जो हुआ है और जो हो रहा है उसको आप तक पहुंचाएं। लेकिन मैं एक बात कह रहा हूं, दादाजी इसलिए जिंदा रह गए क्योंकि इनके साथ सिर्फ छुआछूत हुआ, भेदभाव हुआ। आज आपके बच्चे के साथ पायल तडवी जो डॉक्टर बन जाती है, मरने के लिए मजबूर होना पड़ता है। आज आपके बच्चों के साथ रोहित बेमूला किया जा रहा है। जब आपके बच्चे कॉलेज में जाते हैं, यूनिवर्सिटी में जाते हैं, उनका नंबर काट लिया जाता है, उनको फिजियोलॉजी में फेल कर दिया जाता है, उनको जाति सूचक शब्द कहे जाते हैं और वो टूट जाता है क्योंकि उसके पास न प्लान बी है, न वो घर से मजबूत है, न उसको कोई बाहर सहारा देने वाला होता है,
और उसको लगता है कि उसकी जिंदगी शायद खत्म हो जाएगी, उस पर परिवार को बेहतर बनाने का दबाव है, उसको जातिवाद का दंश झेलना पड़ता है, तो गांव में जातिवाद खत्म हो गया, आज मेरे बाप को या इनको कोई गांव में जातिवाद नहीं कर सकता है, वो डरता है, कानून भी है। अब जातिवाद शहरों में शिफ्ट हो गया है, मल्टी स्टोरीज बिल्डिंग में शिफ्ट हो गया है, मीडिया में, जुडिशियरी में, बिजनेस में, कॉलेज यूनिवर्सिटी में जातिवाद शिफ्ट हो गया है, जहां इनके जो बच्चे हैं उनका नंबर काटा जाता है, उनको नौकरी नहीं दी जाती है, और जो ज्यादा पढ़ा लिखा जातिवादी मनुवादी है वो और महीन तरीके से जातिवाद करता है, और जो पावर सेंटर से, अब गांव का जातिवाद खत्म हो रहा है, शहरों में जातिवाद हो रहा है, जहां आपको पॉलिटिक्स में आप 5 बार के MP बन जाइए आपको सोशल जस्टिस मंत्रालय मिलेगा, कोई 1 बार MP बन के आती है वो सीधे फाइनेंस मिनिस्टर बनती है। जब तक इस देश का SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग कर्मकांड से नहीं निकलेंगे, बाबा साहब की तरफ नहीं बढ़ेंगे, फुले पेरियार अम्बेडकर की तरफ नहीं बढ़ेंगे, आप यकीन मानिए आपकी पीढ़ियां गुंगी बहरी जलालत झेलने के लिए मजबूर होगी। और मैं बार बार कहता हूं कि हमें जलालत की जिंदगी नहीं, सम्मान का मौत चाहिए। आपको तय करना है कि जो शहरों में जातिवाद बढ़ रहा है, कॉलेज यूनिवर्सिटी मीडिया ब्यूरोक्रेसी जुडिशियरी बिजनेस, आप उसके खिलाफ लड़ने के लिए तैयार हैं, या इसी तरह से जिन्होंने जो झेला अब इनके बच्चे झेल रहे हैं कॉलेज यूनिवर्सिटी में, क्या उसको आप झेलने के लिए तैयार है? आपको तय करना है, बाबा साहब के विचारों पर चलना है, संविधान को इम्प्लीमेंट करना है, या पीढ़ी दर पीढ़ी गुंगे की तरह लाचार बेबस होकर जीना है? आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। बाबा शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, कुछ कहेंगे? नो। तो सोचिए इनके होठों पर अभी भी हंसी है। दरअसल हमें सुन्न कर दिया जाता है, हम समझने बुझने लायक नहीं बनने दिया गया, इसलिए हर हालात में हम जीने को मजबूर हैं। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, ये वो बातें हैं जो आपसे कोई नहीं करेगा। इसलिए मैं कहता हूं कि बहुजन समाज को अपना कम्युनिकेटर, अपना पत्रकार, अपना बिजनेसमैन, अपना डॉक्टर इंजीनियर प्रोफेसर पैदा करना होगा। आप सबका शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।